उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के अध्यक्ष संजय गर्ग द्वारा मनोनीत पवन कुमार गुप्ता को प्रदेश समाजवादी पार्टी व्यापार सभा प्रदेश सचिव बनाया गया। अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पवन कुमार गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां व्यापारी विरोधी हैं, जिसे लेकर व्यापारियों में क्रोध है। व्यापारी को पहले नोटबंदी से कमजोर किया गया, बाद में GST से व्यापारियों को बर्बाद किया गया। अब केंद्र सरकार की विफलता के कारण जो लॉकडाउन आया, जिससे व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। केंद्र की सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाए होते तो लॉकडाउन की भारत में आवश्यकता नहीं होती, न ही कोरोना के कारण लाखों लोगों की जाने जाती। आज व्यापारी पूरी तरह से परेशान, वट टूट चुका है। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा प्रदेश की सरकार सेवा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारियों की दुकानें बंद होने से व्यापार बंद हो चुके हैं। इसलिए व्यापार सभा यह मांग करती है कि लॉकडाउन के समय व्यापारियों का बिजली का बिल माफ किया जाए, लॉकडाउन के समय बैंक का ब्याज व्यापारियों का माफ हो, आयकर व अन्य प्रकार के करों व ब्याज व अन्य जुर्माने की राशि को समाप्त किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी व्यापार सभा व्यापारियों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक करेगी। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी ने जो मुझसे अपेक्षा की है, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने इस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए व्यापारी हित के लिए पूरे प्रदेश में कार्य करूँ। कोरोना काल में व्यापारियों का अनदेखी हुई, उनका काफ़ी नुकसान हुआ, तो व्यापारी हित में आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, कोरोना की जो महामारी थी, ये प्रदेश सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उनके कारण ही इस देश में कोरोना आया। अगर उन्होंने समय रहते आवश्यक कदम उठाए होते तो इस देश में न कोरोना आता, न लाखों लोगों की जान जाती। तो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ वो देश में व्यापारी समाज हुआ। आज देश के व्यापारी, क्योंकि GST से और नोटबंदी से पहले ही व्यापारी कमज़ोर और बर्बाद हो चुका था, और कोरोना के बाद में जो लॉकडाउन आया सरकार की गलत नीतियों के कारण, उससे व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की ये मांग भी है, समाजवादी व्यापार सभा आप लोगों के माध्यम से ये मांग करती है कि कोरोना के समय में तो व्यापारियों के व्यापार बंद रहे, उद्योग धंधे बंद रहे, दुकानें बंद रही, उस समय का बिजली का बिल जो है 100% माफ़ किया जाए। कोरोना के समय में लॉकडाउन जितने दिन रहा था, लॉकडाउन के समय में व्यापारियों के चूंकि व्यापार बंद रहे थे और उस समय उनका जो बैंकों की बकाया थी उसका ब्याज उन पर लगातार चल रहा है, उनकी ब्याज की भी जो है 100% जो है ब्याज पे जो उस पर ब्याज जो लोन है ऋण उसका जो ब्याज जो है सरकार माफ़ करे पूरी तरह से। ये समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की मांग है। समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी, और जो हमारी मांग है सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार हमारी मांग नहीं मांगी तो व्यापारियों के हित में जो भी व्यापारियों की जायज मांगे होंगी उनका समर्थन करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करेगी। संभल जनपद में व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी व्यापारियों की? व्यापारियों के साथ बैठ के चर्चा अभी हम बन के आए, व्यापारियों के साथ बैठ के चर्चा होगी, जो व्यापारियों की जो भी मांगे होंगी हम व्यापारी हित के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी समाजवादी व्यापार सभा नहीं समाजवादी पार्टी भी व्यापारी हितों के लिए हमेशा साथ रही है और व्यापारियों के हर दुख सुख में समाजवादी व्यापार सभा उनके साथ रहेगी। जैसे कि कोरोना काल में व्यापारियों की दुकानें बंद रही, हजारों रुपए के बिल आए, यानी बिजली का बिल 100% माफ करने के लिए, बिजली का बिल माफ करने की हमारी मांग है।